बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारा लेक्चर नंबर 7 और इसमें हम लोगों ने बात करनी है एफ़ेज़ की, जो कि फिनाइट लैंग्वेजेस को करस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, सिंपल कुछ एग्जांपल्स हैं वहीं जैसे अभी हमने लेक्चर नंबर 6 में देखे हैं। अच्छा जी, एक लैंग्वेज आप लोगों ने बनानी है जो लैंग्वेज ये वाली स्ट्रिंग्स को बस एक्सेप्ट करती हो। कौन कौन सी स्ट्रिंग्स को? नल स्ट्रिंग भी, ए बी और बी बी, इन स्ट्रिंग्स को बस एक्सेप्ट करती हो। इसका मतलब क्या है कि एक बात तो ये कि वो लैंग्वेज कहाँ पे डिफाइन, किन दो लेटर्स पे डिफाइन हो रही है और बी पे हो रही है, और वो किस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है। वो या तो इस तरह से एक्सप्रेस की जा सकती है, नल स्ट्रिंग प्लस बी प्लस ए बी प्लस बी बी, या फिर नल स्ट्रिंग प्लस बी और इसके मतलब हम लोग इसको फिर मल्टीप्लाई करवा देंगे ना, तो हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया बी बाहर है और ब्रैकेट में लिख दिया नल स्ट्रिंग ए और बी प्लस लगा के, क्योंकि जब भी नल स्ट्रिंग प्लस के साथ जाएगी, बी के साथ जाएगी, तो ये हो जाएगा सिर्फ बी प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद बी ए और फिर प्रिंट होगा बी बी। तो ये एक ही बात है। अब जी बनाना है हमने इसका एफ ए, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है बिल्कुल भी, हम लोगों ने टेंशन नहीं लेनी और बहुत ही सुकून से बन जाएगा। ठीक है जी, ये देखते हैं हम कैसे। आप लोगों ने क्या किया किया हम लोगों ने ये कि एक बनाई इनिशियल स्टेट, ये जो हमने बनाई हुई है इनिशियल स्टेट बनाई। इनिशियल स्टेट से हमने दो जो हैं वो ट्रांजिशंस बनाई, यानी दो रीडिंग्स ली, एक ए रीड करवा लिया, एक बी रीड करवा लिया। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें जो हमारी लैंग्वेज है उसमें, एक मिनट ज़रा मैं इसको भी सामने कर लूँ। अच्छा जी, अब आप ये देखें कि हम लोगों ने एक तो ये जनरेट करवाना था नल स्ट्रिंग को, तो इस वजह से हमने अपनी इनिशियल स्टेट को फाइनल भी रखा। जैसे इनिशियल को फाइनल किया, नल स्ट्रिंग जनरेट हो गई। उसके बाद हम लोगों ने बी को जनरेट करवाना था, तो जैसे ही ये बी पे आया, बी को भी हम लोगों ने फाइनल स्टेट बना दिया, बी जनरेट हो गया। अब हम लोगों ने बनाना है ए बी, ए और बी। ठीक है, तो बी को ए बी जहाँ पे कंप्लीट हो रहा है वहाँ पे हमने जो स्टेट आ रही थी स्टेट नंबर 4 उसको फाइनल स्टेट बना दिया। उसके बाद हम लोगों ने जनरेट करवाना है बी बी, तो ये हम लोगों ने एक बी ऑलरेडी कवर किया हुआ है और दूसरा बी रहा ये, तो ये बी बी बन गया, ये होगी फाइनल स्टेट। लेकिन हम लोग ऐसे तो कर ही नहीं सकते, ये तो फिनाइट ऑटोमेटा, हमें तो हर स्टेट से हर लेटर के लिए ट्रांजिशंस ड्रॉ करनी करनी है, हर स्टेट पे रीडिंग लेनी है। तो अब हम बाकी के लेटर्स का क्या करें जो बच गए हैं? तो हम ऐसा करते हैं, हम चेक कर लेते हैं ये जो स्टेट है जी हमारी, ए के लिए रीडिंग जा रही है, बी के लिए जा रही है, ये स्टेट हो गई क्लियर। ठीक है, अगली स्टेट देख लेते हैं, स्टेट नंबर 2। स्टेट नंबर 2 पे बी के लिए तो रीडिंग जा रही है लेकिन ए के लिए रीडिंग नहीं जा रही है। अभी कहाँ जा रही है ये मैं इस चीज़ को बाद में देखती हूँ, आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, फिर अगर ये स्टेट देखें 5 वाली, तो 5 वाली स्टेट पे ना तो ए जो है वो किसी तरफ मूव कर रही है, ना वो बी किसी तरफ मूव कर रही है। तो ये दो स्टेट्स एक तो हो गई हमारे पास, और उसके अलावा ये वाली 3 स्टेट देखें जी, ए बी तो मूव कर रहा है लेकिन ए कहाँ जाए। इसी तरह से जो ये स्टेट है इसमें ना ए है ना बी है, किसी तरफ भी ट्रांजिशन नहीं जा रही। तो हम लोग करने क्या वाले हैं? हम लोग ये करने वाले हैं कि जैसे ये स्टेट है तो इसमें ए और बी दोनों के लिए एक ट्रांजिशन ली, और जो ये स्टेट है इसमें ए ली और इसके अलावा और भी जो हमारी नल मतलब ऐसी पड़ी होती हैं जिनको हम कहीं पे मूव नहीं करवाना चाह रहे, उनको हम लोगों ने उठाया और उठा के एक अलग स्टेट में भेज दिया। अब ये स्टेट कौन सी है? हमने एक नई स्टेट बनाई जिसके अंदर हमने ये वेस्ट चीज़ें भेज दी ना, हमें ये बड़ी ट्रांजिशंस चाहिए ही नहीं, हमने ये रीडिंग करवानी ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम एक नई स्टेट बनाएंगे, उस स्टेट में इन्हें भेज देंगे, और उस स्टेट पे जो हमने मज़ेदारी वाली मतलब मज़ीद इंटरेस्टिंग काम किया वो क्या किया, हम लोगों ने ए और बी का आउटपाथ लगा दिया, लूप लगा दिया। अब अगर आप इस चीज़ को गौर से देखें तो जो ये चीज़ है ना, यहाँ से कोई भी चीज़ आपको आउटसोर्स नहीं कर रही, ऐसे ही है। आप इस स्टेट में आने के बाद स्टेट से बाहर नहीं जा सकते, ऐसे ही है। कोई एक भी आप एरो हेड देख लें बाहर की तरफ नहीं बना हुआ। तो इनको कहते हैं जी वेस्ट बकेट्स, और इनको कहते हैं डेड स्टेट्स, और इनको कहते हैं वेस्ट बास्केट या फिर डेड स्टेट्स या फिर डिविजन लॉकर्स। ठीक है, यही सेम काम हमने इनके साथ किया था, ये वाले जो हमारे थे ना 5, जो 5 हमारी फाइनल स्टेट थी वो भी, उससे भी ए बी की ट्रांजिशन ले रही, और 2 वाली स्टेट से भी ए की ट्रांजिशन ले ली। नई स्टेट बनाई डेड स्टेट, उस स्टेट में उस स्टेट को हमने नाम एक्स दे दिया हुआ बस। ठीक है, डेड स्टेट बनाई और डेड स्टेट बना के ए और बी का लगा दिया लूप, तो बस ठीक है। ये यहाँ पर अब जितना भी कचरा होगा वो इधर आ जाएगा और हमें टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है।
अच्छा जी, अब इसी चीज़ को ही अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो ये ट्री स्ट्रक्चर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली ट्री स्ट्रक्चर नहीं है, बस उन्होंने ये एक नई एग्जांपल पकड़ी है और उसको उस तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा, अगर मैं एक्सप्लेन करने लग जाऊँगी तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। उसी तरह से इनिशियल स्टेट के ऊपर हम लोगों ने ए और बी के लिए लिए, फिर ए और ए, ये देखें एक ए और फिर ये गया हमारा दूसरा ए, और फिर ये ए बी दोनों के लिए ट्रांजिशन, फिर बी की ट्रांजिशन, बी की ट्रांजिशन, ए की ट्रांजिशन, ए बी, मतलब ये जो टोटल ए बी इसकी तरफ आ रहा है, और यहाँ पे जो हमने लूप लगाया हुआ है वो भी ए बी का लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ समझाना चाह रही हूँ वो बताती हूँ। अब जी, हमारे पास एक लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को आप थोड़ा सा गौर से देखें। लैंग्वेज क्या है? ये है जी लैंग्वेज का जो मतलब एलिमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, टू टाइम्स ए बी ए बी ए ए बी 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 ए। और अगर हम इसको ज़रा मतलब थोड़ा आसान सा सादा सा करके लिखने की कोशिश करें तो आपके पास ये चीज़ बनती है, ठीक है। क्या चीज़ बनती है? नल स्ट्रिंग और बी बी प्लस बी कॉमन आ जाए और ए बी और बी बी, ये चीज़ बनती है। अब इसको हम लोगों ने शो करवाना है, सॉरी, इसको हम लोगों ने शो करवाना है एफ ए के थ्रू। तो जब एफ ए इसका बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी कुछ डरने घबराने वाली बात नहीं है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स एफ ए बन गया। बहुत आसान सी चीज़ है, बस बेसिक कंसेप्ट आप लोगों के क्लियर हों तो कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इनिशियल स्टेट से गए, ए और बी इन दोनों के लिए पाथ बनाया। अब आप लोगों ने बस अपने सामने स्ट्रिंग्स रख लेनी है कि हम लोगों ने कौन कौन से स्ट्रिंग्स एक्सेप्ट करवाते जाना और कौन कौन से स्ट्रिंग्स जो हैं वो हमें नहीं चाहिए। हमें ए और ए, टू टाइम्स ए करवाना था एक्सेप्ट, टू टाइम ए एक्सेप्ट करवाया, फाइनल स्टेट बना ली। उसके बाद हमें चाहिए था ए ए बी बी, वो भी हम लोगों ने फाइनल बना ली। फिर हमें चाहिए थी बी 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 ए, यानी थ्री टाइम्स बी और वन टाइम ए, उसको हमने फाइनल बना लिया। और उसके अलावा हमें चाहिए था बी ए बी, तो उसको भी हमने फाइनल स्टेट बना लिया। अब जो इसका बाकी जितना भी वेस्ट है उसका क्या करें? उसका मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सोल्यूशन बता दिया हुआ है कि हम लोगों ने क्या करना है। हम लोगों ने बना लेनी है डेड स्टेट, एंड देयर वी गो, हमारा सारा काम ख़त्म हो गया। डेड स्टेट बनाई और बस हम लोगों ने ये मेक श्योर कर लेना कि जो जो स्टेट, मतलब जिस स्टेट के ऊपर जो ट्रांजिशन मिसिंग है उसकी, वो वाली ट्रांजिशन हम लोगों ने उठा के तो उसमें रख देनी है, ठीक है, डेड स्टेट में रख देनी है। अब जी नेक्स्ट देखें, कंसीडर द लैंग्वेज। इसमें थोड़ा सा उन्होंने बस ये कहने के कान जो है वो सीधे हाथ से पकड़ने के बजाय घुमा के पकड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं उन्होंने, मतलब कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप लोगों को वो इस तरह से पूछ लेते हैं तो ये ना आप लोग घबरा जाएंगे, पता नहीं क्या बात हो रही है। लैंग्वेज डब्ल्यू है जी, जो बिलोंग कर रही है ए बी, और ऊपर क्लीन स्टार क्लोयर दिया हुआ है। लेंथ जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन टू होनी चाहिए, यानी कम अज़ कम लेंथ जो है वो टू हो या फिर टू से ज़्यादा हो, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया, हम लोगों ने सिंगल एलिमेंट को जनरेट नहीं करवाना और हमने किसको जो है जनरेट नहीं करवाना, सिंगल एलिमेंट को जनरेट नहीं करवाना या टू से कम लेंथ को जनरेट नहीं करवाना, ठीक है। और उसके अलावा जो नेक्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि ना तो वो डबल ए पे ख़त्म होती हो और ना ही वो डबल बी पे ख़त्म होती हो। आसान अल्फाज में बात कर लेते हैं, ना ही डबल ए पे ख़त्म हो ना ही डबल बी पे ख़त्म हो, तो फिर वो किस पे ख़त्म हो? या तो वो ए बी पे ख़त्म होगी या फिर बी ए पे ख़त्म होगी, ठीक है। और ये जो पूरा है ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है कि ए प्लस बी का क्लीन स्टार क्लोयर, यानी पहले कुछ भी आता रहे हमें कोई टेंशन नहीं है, और उसके बाद या वो ए बी पे ख़त्म हो या फिर वो बी ए पे ख़त्म हो, क्योंकि लेंथ एटलीस्ट टू होनी चाहिए ना, ये बात है। अच्छा जी, ये देख लेते हैं एफ ए, क्योंकि लेंथ टू होनी चाहिए तो हम लोग ना तो सिंगल एलिमेंट्स को जनरेट करवा सकते हैं और ना ही फिर नल स्ट्रिंग को करवाएंगे। इस वजह से हम लोग अपनी इनिशियल स्टेट को इनिशियली रहने देंगे, फाइनल नहीं बना सकते, ठीक है। ए के लिए ट्रांजिशन गई, बी के लिए ट्रांजिशन गई, हम लोगों ने क्या प्रिंट करवाना है जी? कि ना वो डबल ए पे ख़त्म हो ना वो डबल बी पे ख़त्म हो। तो हम क्या करेंगे, ए और फिर ये लगाया हम लोगों ने ए का लूप, तो ये ए ए अगर एक्सेप्ट होना हुआ तो, मतलब अगर हमें प्रिंट में चाहिए हुआ तो, और ये आ गया बी। अब ये डबल बी पे ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ पे सिंगल बी है। मेक श्योर बस क्या करना है कि जो आपकी फाइनल स्टेट है ना, फाइनल स्टेट से जो रीडिंग आपके पास आ रही है, जैसे यहाँ पे ए आ रही है यहाँ पे बी आ रही है, ये रीडिंग के पीछे कंजेक्टिवली वहीं सेम लेटर ना हो, ठीक है। यही हम लोगों ने मेक श्योर करना है बस। अब ये रीडिंग है ए, ठीक है। अब ये रीडिंग ए की अगर जा रही है तो इसके पीछे कोई ए नहीं होना चाहिए, इसके पीछे बी है, कोई टेंशन नहीं है।
अब ये रीडिंग जा रही है बी की, इसके पीछे वाली रीडिंग जो है वो ए की नहीं होनी चाहिए, जो कहीं से भी इसके साथ कंसेक्टिव हो वो ए की है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा फाइनल स्टेट्स की तरफ किसी और चीज़ का मुंह नहीं है, तो हमें कोई टेंशन नहीं है, नहीं कोई एरो हेड नहीं है इस तरफ। अब जी ये जो हम लोगों ने बनाया है ना एफ ए, अब हम इसी एफ ए को दूसरी नोटेशन में लिख लेंगे, ठीक है। नई नोटेशन आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ी हुई है कि नोटेशन कौन सी होती है, हम लोग इनिशियल के साथ माइनस लगाते हैं और फाइनल के साथ प्लस लगाते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनिशियल के साथ एरो हेड लगा लेते हैं और फाइनल वाली स्टेट को डबल सर्कल कर लेते हैं, ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया हुआ है ना। अब जी इसी चीज़ को, इसी एफ ए को अगर हम लोग ट्री लाइक स्ट्रक्चर में बनाएं, यानी दूसरी नोटेशन में बनाएं, तो वो कंपैरेटिवली काफ़ी इजी रह जाएगा। कैसे इजी रह जाएगा जी, देख लेते हैं इसको, ये कैसे इजी रह जाएगा। इनिशियल स्टेट से हम लोग लेके निकले इसको, इनिशियल स्टेट ये हमारी नल स्ट्रिंग, मतलब वो जो इनिशियल स्टेट है ना, ये ए ये बी। अच्छा ये इसमें क्या क्या चीज़ें एक्सेप्ट हो सकती हैं, कि ना वो डबल ए पे ख़त्म हो ना वो डबल बी पे ख़त्म हो, ये कंडीशन आप लोगों को याद होनी चाहिए, मतलब इस एफ ए को बनाने के लिए। डबल ए सिंगल ए हो गया और ये हो गया डबल ए। अब ये डबल ए वाली स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर हमने लिख दिया कि वो क्या चीज़ जनरेट करने वाली है, तो हमने स्टेट के अंदर ही लिख दिया कि ये डबल ए जनरेट करेगी, तो इसको हमने फाइनल स्टेट नहीं बनाना, ठीक है। फिर ये बी और ये बी, ये बन गया डबल बी, स्टेट में लिख दिया हमने कि ये डबल बी है, तो हम इसको जनरेट नहीं करवाने वाले अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, गिवन कंडीशन। फिर ये ए और ये बी, जब ये ए और ये बी मिले तो ये ए बी बन गया, इसको हम जनरेट करवा सकते हैं, यानी इस पर हमारी स्ट्रिंग एंड हो सकती है, हमें कोई टेंशन नहीं, तो इसको हमने बना दिया डबल सर्कल करके फाइनल स्टेट। फिर ये बी और ये ए, तो बी ए इसके, इससे भी हमें कोई मसला नहीं है, इसको भी करें जी फाइनल कंडीशन, तो ये भी हमारी फाइनल स्टेट बन गई, ठीक है। अब बाद में हम लोगों ने क्या किया, ये जो लूप्स लगाए हुए हैं, इन लूप्स के थ्रू हम लोगों ने हर स्टेट से आउटपाथ, मतलब हम लोगों ने हर स्टेट को अपने एफ ए को वैलिड किया ना, हर स्टेट से ट्रांजिशंस पूरी करके, ठीक है। तो यहाँ पे ए का लूप लगा हुआ था, बी इसकी तरफ आ गया, तो अब जब ये जनरेट होगी ये कैसे होगी, ए ए ए और बी। अब ये डबल ए या डबल बी पे ख़त्म नहीं हो रही है, तो ये एक्सेप्ट हो सकती है, कोई मसला नहीं। फिर देखें जी बी बी ए, ठीक है एक्सेप्ट हो जाए, बी बी ए कोई टेंशन नहीं है हमें, बस वो डबल ए या डबल बी पे ख़त्म नहीं होनी चाहिए और लेंथ भी दो से ज़्यादा ही है। इसी तरह से हम लोगों ने ये लूप्स लगा के तो इस चीज़ को कर लिया क्लैरिफाई। होपफुली आप लोगों को ये समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। अगला देखें जी, अगली एग्जांपल में उन्होंने क्या बताया हुआ है, उन्होंने कहा है जी एक लैंग्वेज है, डब्ल्यू लैंग्वेज है, ए बी क्लीन स्टार क्लोयर से बिलोंग करती है, डब्ल्यू डज नॉट एंड इन डबल ए, एक ही कंडीशन है कि वो डबल ए पे एंड नहीं होती, डबल बी पे एंड हो सकती है। तो इसका अगर आप लोग रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो क्या बनेगा, अब वो लिमिट भी ख़त्म हो गई है कि उसकी जो मिनिमम लेंथ है वो टू होनी चाहिए, तो इसलिए क्लीन स्टार क्लोयर जो है वो नल स्ट्रिंग को भी जनरेट करेगा, सिंगल दोनों लेटर्स भी जनरेट होंगे, ए बी ए बी का होल जो क्लीन स्टार क्लोयर है वो भी जनरेट होगा, और फिर ए बी बी ए बी बी, ए ए नहीं ना हो सकता, उसको हम लोगों ने नहीं करवाना एक्सेप्ट, बाकियों की खैर है। अच्छा जी बहुत आसान बात, आप लोगों को पता है कि नल स्ट्रिंग को जनरेट करवाने का क्या मेथड होता है, इनिशियल को फाइनल बना दें, ठीक है। तो आपने इनिशियल को फाइनल बना दिया, उसको डबल सर्कल कर दिया, नल स्ट्रिंग जनरेट हो गई, यहाँ से ये ए आ गया ये बी आ गया। अब ए को भी सेपरेटली, ए को भी जनरेट करवाना है, सेपरेटली बी को भी जनरेट करवाना है, तो हम लोगों ने क्या किया, इसको भी फाइनल बना दिया, इसका भी फाइनल बना दिया। फिर हम लोग क्या करेंगे, फाइनल वाली जो हमारी ए थी उससे ए भी गया बी भी गया, अब ये बन गया ए ए, इसको जनरेट नहीं करवाना, यानी इसको हम लोगों ने फाइनल स्टेट नहीं बनाना, इसलिए इसको डबल सर्कल नहीं करेंगे। ये ए बी बना था, इसको डबल सर्कल किया, ये बी और ये ए बना, इसको डबल सर्कल किया, ये भी हमें फाइनल में स्टेट में चाहिए। फिर ये बी ये बी, इसको भी बी बी को भी हमें जनरेट करवाना है, और फिर बी बी ए, तो ठीक है ये भी जनरेट हो सकती है, ए ए बी ये भी जनरेट हो सकती है। तो हमने पहले वाले की तरह बस एफ ए को वैलिड कर दिया। इसके बाद आ जी हमारा ट्रांजिशन ग्राफ।